हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूट्यूब एप्लीकेशन पर तीन यूज़फुल सेटिंग के विषय में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यूट्यूब पर जब भी हम कोई वीडियोस देखते हैं तो हमारा जो भी एक्टिविटी होता है वो एक्टिविटी सर्च हिस्ट्री और साथ में वॉच हिस्ट्री पर सेव हो जाता है। अगर दोस्तों हम कोई वीडियो को सर्च करके देखते हैं तो हमारा जो भी सर्च हिस्ट्री होता है वहाँ पर सारा सर्च हिस्ट्री में वो डेटा रहता है, साथ में हमारा जो वॉच हिस्ट्री है वहाँ पर भी हमारा डेटा रहता है। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हम कोई ऐसा वीडियो देख लेते हैं सर्च करके, या फिर हमारे होम स्क्रीन पर आ जाता है जो कि हम दूसरे को नहीं दिखा सकते। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हमें उसे क्या करना पड़ता है, क्लियर वॉच हिस्ट्री पर जा कर के उसे हमें क्लियर करना पड़ता है, साथ में क्लियर सर्च हिस्ट्री पर जा कर के फिर से हमें उसे क्लियर करना पड़ता है। और दोस्तों, अगर हम इसे भूल जाते हैं क्लियर करना तो दोस्तों क्या होता है कि हमें कभी कभी शर्मिंदा होना पड़ता है। हम ऐसे वीडियोज़ देख लेते हैं और हमारे फ्रेंड हो या फिर दोस्त, हमारे कोई फैमिली मेम्बर हमारे फ़ोन पर यूट्यूब देखना चाहते हैं, तो यूट्यूब को जैसे ही ओपन करते हैं तो उसका जो होम पेज होता है तो वहाँ पर दोस्तों उसी टाइप की वीडियोज़ जो है वहाँ पर दिखने लगते हैं, उसका थंबनेल दिखता है। तो दोस्तों, उनको पता चल जाता है कि आप क्या क्या वीडियो यूट्यूब पर देखते हैं। तो जो भी आप टाइप के वीडियोस देखते हैं सर्च करके, आपको पता होगा कि यूट्यूब के सर्च में जो भी वीडियो आप सर्च करते हैं उसी टाइप के वीडियोस जो है आपके होम पर यहाँ पे आ जाते हैं, चाहे वो टेक का हो या फिर फनी हो या फिर कोई और वीडियो हो, जैसे आप सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपका जो है हिस्ट्री में आ जाता है। तो उस समय दोस्तों आप क्या करते हैं कि आप प्रोफाइल ऑप्शन में जाते हैं, फिर से सेटिंग में जाने के बाद आप हिस्ट्री एंड प्राइवेसी में जा करके इसे आप क्लियर करते हैं। तो ये दोस्तों एक ऑप्शन है आप क्लियर करने का, लेकिन आज मैं आपको ऐसे तीन तरीका बताऊंगा जो कि आपको यहाँ पे क्लियर करने की आवश्यकता नहीं है। और आप कभी भी अगर कोई ऐसा वीडियो देखते हैं जो कि आप दूसरे को नहीं दिखाना चाहते हैं तो दोस्तों ये ट्रिक को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, मेरा नाम है सुभाष और आप देख रहे हैं AK ऑनलाइन सपोर्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही एक बेल नोटिफिकेशन है उसे भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो बनाऊं इस चैनल पर इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आप कोई ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं यूट्यूब पर जो आपके सर्च हिस्ट्री या वॉच हिस्ट्री में सेव नहीं रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पर प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, एक ऑप्शन है टर्न ऑन इनकॉग्निटो, यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं उसके बाद दोस्तों आपका जो यूट्यूब का एप्लीकेशन है बिल्कुल इनकॉग्निटो मोड में चला जाता है। और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर कोई भी वीडियो देखेंगे तो आपका ना सर्च हिस्ट्री में सेव होगा और ना ही कोई वॉच हिस्ट्री में सेव होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप कोई भी वीडियोज़ को देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर फिर से नॉर्मल मोड में करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं टर्न ऑफ इनकॉग्निटो, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से आप नॉर्मल मोड में आ जाएंगे, फिर आप दोस्तों यहाँ पर कोई भी वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो सेटिंग है, यहाँ पर आपको प्रोफाइल पर जाना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेटिंग पर जाना है और यहाँ आप देख सकते हैं जनरल का ऑप्शन है, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं सेकंड वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है डार्क थीम। दोस्तों, अगर आप रात में अधिक वीडियोस देखते हैं, रात में यूट्यूब ज़्यादा आप एक्सेस करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो लाइट होता है स्क्रीन का वो हमारे आँख पर बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। अगर आप दोस्तों इसे इनेबल करते हैं तो आपका स्क्रीन बिल्कुल डार्क हो जाएगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप कोई भी वीडियोज़ को देखेंगे तो दोस्तों आपका बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अपने आँख को जो है बचा सकते हैं लाइटिंग से। तो कुछ इस प्रकार से आप डार्क थीम को इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लास्ट हम बात करते हैं कि अगर दोस्तों आप नहीं चाहते कि कोई आपके यूट्यूब के एप्लीकेशन पर होम पेज पर कोई ऐसा वीडियो आए जो कि आप नहीं देखना चाहते हैं, या फिर अपने फैमिली मेम्बर में कोई आपके यूट्यूब एप्लीकेशन से वीडियोस देखते हैं और उनको भी नहीं दिखाना चाहते हैं, जो कि आपको पता होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे वीडियोस होते हैं जो कि हम चाहते हैं कि इस कैटेगरी के वीडियोज़ हमारे जो है यूट्यूब के होम पेज पर ना आए, तो उस समय हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर प्रोफाइल में जाएंगे, सेटिंग में आपको जाना है। उसके बाद आप देख सकते हैं जनरल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके नीचे आएंगे, यहाँ देख सकते हैं रेस्ट्रिक्टेड मोड, यहाँ पर आपको इसे दोनों ऑन कर देना है। अगर आप इसे ऑन करते हैं तो आपके होम पेज पर कोई ऐसा वीडियो नहीं आएगा, जो कि दोस्तों आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस होते हैं जो कि हम नहीं देखना चाहते हैं, या फिर हमारे अगर फैमिली मेम्बर कोई वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पर तो उनको हम नहीं दिखाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे कंटेंट के वीडियो होते हैं जो कि आपके जो है स्क्रीन पर देखते हैं, तो आप उसे नहीं देखना चाहते हैं या फिर आप नहीं चाहते हैं कि वो आए, तो इसे आप ऑन करके रख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये तीन यूज़फुल सेटिंग को आप अप्लाई कर सकते हैं। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।